नमस्कार दोस्तों, मैं आर के सोनी यूट्यूब की हिंदी की दुनिया चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि किसी भी छोटी बड़ी गाड़ियों का ट्रांसफ़र ऑनलाइन आप कैसे अप्लाई करेंगे, और यदि अप्लाई करने के दौरान यदि आपका पेमेंट गेटवे में फंस जाता है तो उसे आप कैसे क्लियर करके आप अपना फॉर्म और चालान का प्रिंटआउट लेंगे। साथ ही साथ आप ये भी जानेंगे कि चालान वगैरह काटने के बाद आपको और क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होती हैं, जो कि आप परिवहन ऑफिस में जमा करेंगे, और उसके साथ साथ आपको क्या क्या करना होगा। ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। तो वीडियो के अंत में दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सा पेपर और क्या क्या पेपर किस तरह से आपको तैयार कराना है, और उसके बाद आपको परिवहन ऑफिस में जमा करना है। ये सारी जानकारी मैं आपको बिल्कुल सरल भाषा में बताऊंगा, जिससे आप बड़ी आसानी से कोई भी गाड़ी का ट्रांसफ़र आप खुद से बिना किसी एजेंट के माध्यम से आप करा सकते हैं, और आप अपनी मोटी रकम जो कि एजेंट को देते हैं उसे आप बचा सकते हैं। तो चलिए, ज़्यादा बात नहीं करते हुए मैं इस वीडियो को यहीं पर शुरू करता हूँ। और यदि मेरे चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस तरह के वीडियो आपको हमेशा मिलते रहेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम परिवहन के होम पेज पर जाकर अपना स्टेट को चुनेंगे, उसके बाद हम अपने डिस्ट्रिक्ट को चुनेंगे दोस्तों, और प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। चलिए मैं करता हूँ। इसके बाद दोस्तों, हम यहाँ ट्रांसफर वाले मेनू पर जाएंगे और उसे क्लिक करेंगे। यहाँ पे गाड़ी का नंबर हम डालेंगे जिस गाड़ी का हमें ट्रांसफर करना है, और उसका 66 नंबर लास्ट का 5 अंक हम डालेंगे और डिटेल पर क्लिक करेंगे। इसके बाद दोस्तों, उस गाड़ी से जो नंबर जुड़ा हुआ होगा उस पे हम ओटीपी भेजेंगे, और उस ओटीपी को हम यहाँ पे फिल करेंगे, और फिल करके हम सबमिट करेंगे। आप दोस्तों पूरा वीडियो देखिएगा, मैं आपको सारी स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो चलिए, मैं इसके बाद हम गेट डिटेल पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम दोस्तों सबसे पहले जो गाड़ी खरीद रहे हैं उनका हम एड्रेस को फिल करते हैं। तो चलिए मैं पहले एड्रेस फिल करता हूँ। पहले हम नाम फिल नहीं करेंगे दोस्तों, ये चीज़ को ध्यान रखिएगा, पहले एड्रेस को फिल करेंगे। ये चीज़ आपको सबको नहीं बताएगा दोस्तों, लेकिन मैं आपको एकदम अपने 5 साल के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि पहले एड्रेस को फिल करना चाहिए ताकि कोई एरर ना आए। उसके बाद दोस्तों, हम सेम एड्रेस है तो इस बॉक्स पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद हम जो गाड़ी खरीद रहे हैं उनका नाम डालेंगे। उसके बाद दोस्तों, हम नाम डालने के बाद इंडिविजुअल हैं या क्या हैं उसे हम बॉक्स में सेलेक्ट कर लेंगे, ज़्यादातर तो इंडिविजुअल ही होते हैं। इसके बाद उनके पिता का नाम डालेंगे, जो भी नाम है मैं इसे फिल कर लेता हूँ। इसके बाद दोस्तों, जिस दिन के गाड़ी आप खरीद रहे हैं वो डेट यहाँ पे डला जाएगा। उसके बाद जो गाड़ी खरीद रहे हैं उनका यहाँ पे मोबाइल नंबर आप इंटर करें। मैं इंटर कर देता हूँ। दोस्तों, ये बहुत ही आसान है, और ऑनलाइन के बाद आप क्या क्या करना है वो सारी जानकारी मैं आपको दूंगा, वीडियो में बने रहें। इसके बाद आपको यहाँ पे ओटीपी डालना है। ओटीपी आने में थोड़ा सा समय लगता है, 2-1 मिनट लगभग, कभी कभी तुरंत भी आ जाता है दोस्तों। आप डिटेल को पूरी तरह से चेक कर लीजिएगा उस दौरान कि आपका फॉर्म सही से भरा हुआ है नहीं। चलिए, ओटीपी आ गया, मैं इसे अब फिल कर देता हूँ। उसके बाद दोस्तों, सेवन ड्रॉप पर क्लिक करिएगा, आपका फॉर्म सेव हो जाएगा। उसके बाद पे नाउ बटन पर आपको क्लिक करना है। ये बिल्कुल 2 मिनट का फॉर्म है दोस्तों, 2 मिनट में आप
ट्रांसफर का फॉर्म इजी रूप से भर सकते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं है। यहाँ पे टिकआउट पर क्लिक करके गेट पेमेंट पर जाएंगे, उसके बाद यहाँ पे अपना सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि फाइनेंशियल करेंट ईयर वन टाइम सेलेक्ट करिएगा, और ई पेमेंट पर सेलेक्ट कर करके आप जिस बैंक से करना चाहते हैं उसे आप चुन लीजिएगा। चलिए मैं आपको इंटरनेट बैंकिंग से पेमेंट करके दिखाता हूँ। जो भी अकाउंट है उसे चुन लीजिएगा। इसके बाद आपके मोबाइल पर एक OTP आएगा जो कि बैंक के थ्रू भेजा जाएगा ट्रांजेक्शन के लिए। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, मैं यहाँ पर जानबूझ करके अपना ट्रांजेक्शन को पेंडिंग में डालूंगा ताकि आप आसानी से समझ लें। चलिए मैं दिखाता हूँ आपको। तो देखिए दोस्तों, मेरा पेमेंट यहाँ पर फंस चुका है। अब मैं क्या करूँ, बहुत से लोग घबरा जाते हैं। कुछ नहीं करना है आपको दोस्तों, फिर से होम पेज पर आना है। यहाँ पर आपको अपना स्टेट चुनना है, उसके बाद सबसे ऊपर लिंक पर क्लिक करके आपको अपना गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है और सर्च बॉक्स पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ से आपको सिर्फ ट्रांजेक्शन नंबर कॉपी करना है दोस्तों, जो कि अभी टाइम पर शो करेगा, उसे हम कॉपी कर लेते हैं। फिर से बैक आते हैं, यहाँ पे अपने डिस्ट्रिक्ट को चुन करके एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं ताकि पेज नया रिफ्रेश हो जाए। अभी रिफ्रेश नहीं हुआ है, चलिए मैं फिर से रिफ्रेश करता हूँ और अपने डिस्ट्रिक्ट को चुन के प्रोसीड करेंगे। यहाँ पे पेंडिंग ट्रांजेक्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम ट्रांजेक्शन नंबर को चुनेंगे, ट्रांजेक्शन आईडी डालेंगे और उसके बाद कैप्चा डाल करके हम शो डिटेल पर क्लिक करेंगे। बिल्कुल 30 सेकंड में दोस्तों ये पेमेंट आपका क्लियर कर देगा। देखिए यहाँ पर हमने गेट बैंक पर क्लिक किया और देखिए हमारा चलान और फॉर्म सब आ गया। इसे हम प्रिंट कर लेते हैं, मैं आपको सारी बात बताऊंगा इसके बाद आपको क्या करना है। चलिए दोस्तों, यहाँ पे हम फॉर्म को और चलान को प्रिंट कर लेते हैं। फॉर्म ध्यान रखिएगा, फॉर्म 29, फॉर्म 30 और एक चलान होता है जिसे आपको परिवहन ऑफिस में जमा करना होता है। और इसके साथ साथ क्या क्या जमा करना होता है मैं इस वीडियो में आपको आगे बताऊंगा। पहले मैं इस चलान को और फॉर्म को प्रिंट कर लेता हूँ। तो देखा दोस्तों, इस तरह से आप किसी भी छोटी बड़ी गाड़ियों का ट्रांसफर बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, वो भी 2-4-5 मिनट में। इसमें जो भी एरर आया मैं उसके बारे में आपको बताया हूँ। तो चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं कि ट्रांसफ़र क्यों आ सके। दोस्तों, जो भी गाड़ी आप खरीद रहे हैं या जो भी गाड़ी बेच रहे हैं, यदि वो गाड़ी का ट्रांसफ़र नहीं कराते हैं तो पिछले वाले मालिक के नाम से ही गाड़ी रहते हैं। बहुत लोग होते हैं क्या स्टाम्प पर लिखवा लेते हैं और गाड़ी को दे देते हैं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं करना होता। यदि उस गाड़ी से किसी तरह की दुर्घटना हो जाती है या किसी तरह का कोई केस हो जाता है तो पिछले वाला मालिक फंसता है। वो एफडीविट, वो स्टाम्प कोई काम नहीं आता है। तो आप तो देख चुके हैं कि किस तरह से आप ऑनलाइन ट्रांसफ़र के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब दोस्तों, इसकी जरूरी पार्ट ये है कि इसमें आपको क्या क्या करना हो। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको एक अफिडेविट का फॉर्म आता है मजिस्ट्रेट का, उस अफिडेविट को फॉर्म को आपको ले करके आप अपने जिला में जहाँ भी हैं वहाँ आप उसको अफिडेविट करा लें। अफिडेविट कराने के बाद दोस्तों, आप गाड़ी का पॉल्यूशन, गाड़ी का एक दोनों मालिक और ख़रीदने वाले बेचने वाले दोनों का फ़ोटो, दो 45-45 रुपये का टिकट, दो लिफाफा, और यदि बड़ी गाड़ी है तो उसका फिटनेस, इंश्योरेंस जरूरी है इंश्योरेंस, ये सारे डॉक्यूमेंट को इसके साथ फॉर्म के साथ अटैच करके आपको अपने नज़दीकी DTO ऑफिस जाना होगा और वहाँ दोनों पार्टी जाएंगे, खरीदने वाले भी बेचने वाले भी, और दोनों जा करके सामने DTO ऑफिस में उनके स्टाफ के सामने जो भी वहाँ कार्यकर्ता बैठे हुए हैं उन्हें आप ये कागज़ देंगे कि हम अब गाड़ी बेच रहे हैं, और वो बोलेंगे कि हम गाड़ी खरीद रहे हैं। उसके बाद दोनों का वहाँ पे हस्ताक्षर होगा, उसके बाद ये चलान में से एक कॉपी आपको रिसिप्ट के रूप में दे दिया जाएगा और उसके 15-20 दिन के अंदर आपको नए नाम से जो ट्रांसफ़र हुआ उस नाम से आपको ऑनर बुक आपके घर पर जो पता आपने ऑनलाइन फिल किया है वो भरे हैं उस पर डिलीवर कर दिया जाएगा।
तो दोस्तों इस तरह से आप समझ चुके हैं पूरी तरह से कि गाड़ी का ट्रांसफ़र आप बहुत इजी से खुद से कर सकते हैं। इसमें किसी भी दलाल एजेंट को के पास जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, और यदि फिर भी कोई हमसे बताने में फॉर्म बताने में कोई भी मिस्टेक हुआ है या किसी तरह कोई गलती हुआ है तो प्लीज़ हमें कमेंट में बताइएगा, हम कोशिश करेंगे कि आपके कमेंट का उत्तर दे सकें। और यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।